कुरान पढ़ा जाए पढ़ता है कि पीजा होता है, चालीसवां होता है, दसवां होता है, जब भी पढ़ता नहीं है पढ़वाता है, जब भी पढ़ता नहीं है पढ़वाता है, खुद को तो पढ़ा ही नहीं है तो पढ़ेगा क्या, पढ़वाता है वो, तो किनसे पढ़वाता है, टूटी चटाई पर बैठते हैं, जो पतली पतली दाल खाते हैं, जो मोटे मोटे चावल खाते हैं, सही है ना विरक्त, जिनके कपड़ों में पैबंद होते हैं, जिनके कपड़ों में पैबंद होते हैं, जिनके कपड़े बहुत मामूली होते हैं, जिनके कपड़े बहुत मामूली होते हैं, जो सुबह से उठते हैं और अल्लाह का ये कलाम अपने सीने में महफूज करते हैं, उन्हें बुलाता है, उनसे कुरान पढ़वाता है, उनसे कुरान, खुद तो कुरान पढ़ा ही नहीं है, अब्बा के मरने के बाद, अम्मा के मरने के बाद, अपने बच्चों को तो कम से कम कुरान खुद नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चों को तो कुरान पढ़वा लो, जिन बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हो, जिन बच्चों को स्कूलों में भेजते हो, जिन बच्चों को तुम तालीम अंग्रेजी की दिलवाते हो, उन्हें कुरान की भी तालीम दिलवाओ। हाल ये हो गया है, बच्चा स्कूल ना जाए उसको जगा के भेजा करते हो, और बच्चा नमाज में ना आए तो कोई परवाह नहीं होती, चाहे जुमे की ही नमाज में क्यों ना आए। बरकातियों, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ। ये आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह बैठे हैं, बहुत से बैठे हुए हैं, प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे, ये हम जानते हैं, या जो मदरसे जामिया चला रहे हैं वो जानते हैं, क्या आजकल जामिया चलाना कितना मुश्किल है, इस दौर में जामिया चलाना बहुत मुश्किल, पहाड़ में रास्ता बनाना आसान है, आजकल जामिया चलाना मुश्किल है, जामिया भी चलाते हैं, आए दिन कागज लेके दौड़ते भी हैं, आए दिन कागज लेकर दौड़ते भी हैं, कितने बच्चे हैं, कितने उस्ताद हैं, कैसी बिल्डिंग है, उसके बाद लेकिन हम अपनी कौम को सलाम भी करते हैं कि हमारी कौम बड़ी प्यारी कौम है, कि हमारी कौम बहुत अच्छी कौम है, अल्लाह इस कौम को सलामत रखे, ये कौम जिंदा है तो मदरसे जिंदा है, ये कौम है तो मदरसे चल रहे, ये कौम ना हो तो मदरसे नहीं चल सकते, क्योंकि कोई काम भी बगैर पैसे के नहीं होता, मदरसा चलाने की जामिया हसन बरकत का चंदा नहीं मांग रहा हूँ, कौम को चलाने के लिए, मदरसा चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, ये कौम पैसा देती है, फिर ये बच्चे तैयार हुआ करते हैं। एक बात और सुनो, उसके बाद फिर शाम को ही बोलूंगा, शाम में गूंगा हो जाऊंगा, ये कौम बड़ी प्यारी कौम है, अल्लाह की कसम, कसम खुदाबंदी कुद्दूस की, पीरान हम जैसे बेपीर अगर हम नमाजों को पढ़ना शुरू कर दें पाबंदी के साथ, ये कौम अपने आप नमाज पढ़ेगी, मुरीदों का आइडियल उसका पीर होता है, मुरीदों का आइडियल उसका पीर होता है, कौम देखती है पीर नमाज पढ़ रहा है तो मुरीद भी नमाज पढ़ता है, अल्लाह करे पीर भी नमाज पढ़े और मुरीद भी नमाज पढ़े। तो हजरत मैंने सही कहा ना कि फिर भी पढ़ता नहीं है, पढ़वाता है, बच्चों को बुलाता है। अच्छा सुबह ये लगता है ये बच्चे उसके सर का ताज हैं, वो जब कुरान खानी खत्म होती है, अगर दावत चालीसवा होती है, वो अगर कोई सेठ और साहूकार आ जाता है, कोई पैसे वाला आ जाता है, कोई चेयरमैन आ जाता है, कोई मेंबर आ जाता है, तो पहले तवज्जो खाने की उसकी तरफ मरकूज करता है, फिर बच्चों की परवाह नहीं करता, कितना बड़ा चेयरमैन हो, कितना बड़ा पैसे वाला हो, कितनी बड़ी दौलत वाला हो, कितना बड़ा अफसर हो, बाप के इंतकाल के बाद वो काम नहीं आएगा, अगर कुरान पढ़वा के बाप की ईसाले सवाब कराना होगा तो ये हमारे मदरसे के बच्चे काम आएंगे। इन्हें बड़ी इज्जत वाली नजरों से देखा करो, बड़ी मोहब्बत वाली नजरों से देखा करो। अरे हमारी कौम का हाल तो ये हो गया है कि हमारी कौम के लिए हुक्म था कि जब कब्रिस्तानों से जाओ तो कब्रिस्तानों में सलाम करते हुए जाया करो, आज हमारी कौम का यह हाल हो गया, बेमतलब सलाम नहीं करती। गलत कह रहा हूँ शाहिद साहब,
अगर शाह साहब के काम और शाह साहब के काम नहीं है तो मुंह मोड़कर चले जाते हैं। सलाम को फैलाओ, आपस में सलाम किया करो, आपस में मोहब्बत किया करो, आपस में एक दूसरे से गले मिला करो, आपस में एक दूसरे का हसद मत किया करो, आपस में एक दूसरे की रंजिश मत किया करो, आपस में मिलकर रहा करो। आज माशाल्लाह मिंबर पर राशिद फकाह तशरीफ रखते हैं, बरकाती मुफ्ती तशरीफ रखते हैं, हमारे बहुत प्यारे मुफ्ती मुफ्ती मोहम्मद हनी बरकाती तशरीफ रखते हैं, इनसे बड़ी मोहब्बत है। अरे हम तो हर उस आदमी से मोहब्बत करते हैं जो काम करता है, ये लोग काम कर रहे हैं इनसे मोहब्बत करते हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं क्या जिक्र हो रहा है कि बताएंगे हजरात, इन लोगों का जिक्र हमारे जामिया में होता रहता है, हमारे जामिया में इन लोगों का जिक्र होता रहता है, क्योंकि हमारे जामिया के बच्चे इनसे कुछ सीखते हैं, हमारे जामिया के बच्चे इनसे कुछ सीखते हैं। इन लोगों की दुआओं का सिला है कि 10 साल के अंदर आपका जामिया थोड़ा बहुत मशहूर हो गया है। क्यों हजरत? थोड़ा बहुत मशहूर हो गया है। इन बच्चों के साथ हमें भी अच्छा सुलूक करना चाहिए। हम कोशिश करता हूँ कि इन बच्चों को तकलीफ ना हो, इन बच्चों को, मैंने भी बच्चों से कहा था, बच्चे आप भी सुने, माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, घर को छोड़ा, बाल को छोड़ा, मोहब्बतों को छोड़ा, आराम को छोड़ा, यहाँ आए हो पढ़ने के लिए तो पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे पढ़ते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे, इन बच्चों के असातिज़ा को सलामत रखे, इन उलमाए इकराम को सलामत रखे, और इनको सलामत रखे जो जामिया चलाते हैं, इनको सलामत रखे जो जामिया, अरे इनको भी सलामत रखे जो उर्स कराते हैं। हम बड़ी, आप उर्स भी कराते हो, आप जामिया भी चलाते हो, तो पीर साहब में कह दे ताकत जोर से कर लेंगे। हम तो साफ साफ बोलते हैं, हमें बोलने में इस बार में डर नहीं लगता। जामिया भी कौन चलाती है, उर्स भी कौन कराती है, हमें बोलने में बिल्कुल डर नहीं लगता। ये हम लोग रोटी सूत रहे हैं ना, महारा की भाषा में तंदूर खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, उसमें मसाले आ रहे हैं, उसमें प्याज आ रही है, उसमें लहसुन आ रहा है, उसमें अदरक आ रही है, कभी पूरनपुर लाता है, कभी कानपुर लाता है, और पूरनपुर वाले हमारे बरकाती प्याजों का प्याज का ठेला लिए चले आ रहे हैं, लहसुन लिए चले आ रहे हैं, अदरक लिए चले आ रहे हैं, आटा लिए चले आ रहे हैं, कानपुर से बदरुद्दीन बरकाती मसाला लिए चले आ रहे हैं, ये सामान आता है, जगह जगह से आता है, सब मिलता है, गोश पड़ता है, गोश बनता है, रोटी बनती है, तो हम लोग खाते हैं तब मजा आता है। अल्लाह ताला हमारी कौम को सलामत रखे, जोर भी कराती है और जामिया भी। मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ, अरे मांगे वो जिसे मांगने की जरूरत हो, बगैर मांगे मिलता है, मांगा है, मांगते हैं, कैसे मांगते हैं कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और यहां वाले आगे क्या कहते हैं, अब तो ना रोकेगा नहीं, आदत के सख बिगड़ गई, मेरे करीम पैर नहीं लुकमे तर खिलाए क्यों। और यहां वाले कहते हैं फिर के गली गली तबा ठोकरे सबकी खाए क्यों, बिल्कुल जो अक्ल देख तेरी जाए क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह इन गलियों, अच्छा देखो यहाँ के बाद जब आया करो तो मेलों में मत हुआ करो, जाओ बोलो, कभी 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 महर्रा की छोटी गलियां भी घुमा करो, उनमें शमसे महर्रा चले होंगे, नूरी मियां चले होंगे, अच्छे मियां चले होंगे, शाह बरकतुल्लाह चले होंगे, सैयदुल उलमा चले होंगे, एहसनुल उलमा चले होंगे, वारिसे पंजतन चले होंगे। अब हम जल्दी एक बात है हजरत नूरी साहब, हम कैसे हो सही, लेकिन जो बच्चे हमसे बैठे हम भी मोहब्बत करती, जो बच्चे हमसे बैठे हम, अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे, पीरों को सलामत रखे, मुरीदों को सलामत रखे, उलमा इकराम को सलामत रखे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है सिराजुल फका को सलामत रखे, मुफ्ती दोनों बरकाती मुफ्तियों को सलामत रखे। अल्लाह इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले फलते और फूलते रहे।
क्या हो, और इनके दुश्मन फूटते और फटते रहे। अब इरफान अधरी जाने, मैक जाने, कारी इरफान जाने, दोनों इरफानों में जो इरफान जाए वो।